आखिर ये किसने किया बहराम अफंदी? हम शिकार के लिए गए हुए थे मिकाल अफंदी, किसी नामालूम शिकारी का तीरा लगा मुझे। यूनुस अफंदी आए थे मेरे पापा के पास मतलब में। किस वक्त? शाम से पहले, हम उस वक्त वहीं थे। खैर तो थी ना किरा, खुदा ना खास्ता तबीयत तो नासाज नहीं थी। नहीं नहीं ठीक है, वो तो बहराम अफंदी को लेकर आए थे, शिकार के दौरान किसी शिकारी का तीर आकर लगा था उन्हें। या अल्लाह, खैर जल्दी से बताओ क्या हुआ था, क्या सुना तुमने? अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुझे भी यही वक्त मिला था भौंकने का। बहराम की हालत इस काम के लायक थी या नहीं? औजार तो ठीक ही थे शेख मोहतरम। तबीब मिकाल अफंदी ने बता दिया है मुझे। ठीक है, तुमने अपना फरीजा बखूबी निभाया, आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं तुमको यूनुस। बहराम की हालत इस काम के लायक थी या नहीं? औजार तो ठीक ही थे शेख मोहतरम। तबीब मिकाल अफंदी ने बता दिया है मुझे। ठीक है, तुमने अपना फरीजा बखूबी निभाया, आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं तुमको यूनुस। ये लो बर्तन। ये तुम्हारी नई जिम्मेदारी है, कराबाश का ख्याल रखोगे तुम। आज से इसे खाना देना तुम्हारा फर्ज है यूनुस। देखो खानम इसका खाना बना चुकी होंगी, जाकर ले आओ बर्तन में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए यूनुस अफंदी, ठीक हो तुम? कैसे आना हुआ? जानवर का खाना लेने भेजा है शेख मोहतरम ने। अच्छा, जरा मैं ये रख दूँ फिर आती हूँ। बच्चे, यूनुस अफंदी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लो। कुराबाश के लिए खाना दे दीजिए इस बर्तन में। ले लीजिए, हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.
सुनो कान लगा कर सुनो, देवरेगी के काजी मुबारक के फर्जंद इलियास अफंदी नालेहान के काजी तैनात हो गए हैं। इस फैसले के बाद वो बहुत जल्द आकर अपना मनसब संभाल लेंगे। सुनो लोगों, अहम ऐलान सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है लोहार खाना? मेहनत करते हैं, बरकत अल्लाह देता है। और सुनाओ, अब तक लौटे नहीं बहरा मागा? मोहतरम, वो आ तो गए मगर एक हादसा हो गया उनके साथ। किसका लगा उन्हें? अजमी आगा का लगा है। नहीं मोहतरम, किसी नामालूम शिकारी का। अब तो बेहतर है, वो घर पर आराम कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे पीर भाइयों। वालेकुम सलाम मोहतरम। अजमी आगा, अकेले में बात करनी है कुछ तुमसे। जी मोहतरम। फरमाइए मोहतरम, खैर तो है? तुम घर हो कराओ कि कोई काम तो नहीं है वहां? जी बेहतर। अजमी आगा, सच तो ये है कि मेरी क्या मजाल के तुम जैसे बाशऊर शख्स की गलती पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करो, मुझे शर्मिंदगी होगी। खैरियत तो है मोहतरम, मैंने कोई कोताही कर दी है क्या तिजारत में? क्या सिर्फ तिजारत ही ईमानदारी से करने का अखी की जिम्मेदारी है आगा? क्या हमें यही दर्ज दिया जाता है अखी इज्तमात में? अगर हमारे हाथ और जबान से हमारे मुस्लिम भाई महफूज नहीं तो ऐसी तिजारत किस काम की? बताइए, लगता है शेख के बारे में नहीं बल्कि किसी आम आदमी के बारे में बात कर रहे हो। ये मत करो अजमी, तुम्हें अपनी जबान काबू में रखनी होगी, ये हमारा फर्ज है अखी होने के नाते। और दूसरी बात ये कि इसे यकीनी बनाना मेरे फराइज में शामिल है। इसके लिए कोई अमली कदम भी उठाना पड़ा तो गुरेज नहीं करूंगा मैं। ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं सूबेदार। आ गए कोई खुश? खुद को मिटाने, फना होकर जिंदगी पाने के लिए। तो मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम फरीजा सौंप रहा हूं यूनुस। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। आज से तुम दरसगाह की सफाई सुथराई किया करोगे। रोजाना बरामदा, हुजरे, बाग, हर जगह को साफ करना होगा। बैतुलखला की सफाई सबसे आम है, इसलिए अब से तुम मुस्तकिल मैं नहीं जानता का विर्द किया करोगे। जब भी तुमसे कोई सवाल किया जाए कहो मैं नहीं जानता। ये तुम्हारी नई जिम्मेदारी है, कराबाश का ख्याल रखोगे तुम। आज से इसे खाना देना तुम्हारा फर्ज है यूनुस। तो इसी सुलूक का मुस्तहिक था यूनुस। इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। मैं नहीं जानता। बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। अब बताइए, रात भर कहां रहे आप? क्या कुछ हुआ वहां? मैं नहीं जानता।
मैंने पहले कभी किसी को मैं नहीं जानता का इतना व्यर्थ करते नहीं देखा शेख मोहतरम के लिए। चलिए अच्छा हुआ फरीजा पूरा किया आपने, अब एक नया फरीजा सौंपेंगे शेख आपको। मैं नहीं जानता। इस राह में शेख का दिया हुआ हर हुक्म आंख बंद करके बजा लाना ही असल फरीजा है। कुछ सोचें ना कोई सवाल करें। वैसे लगता है कि सुबह ही कोई नया फरीजा सौंपा जा चुका है आपको। मैं नहीं जानता। हाँ ये तो है। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने दिल की गिरें खोलने आया था तू या लोगों के ताने सहने? जा उनके हुजूर जा, एक एक बात बता खुलकर। अगर वो वाकई तेरी मुर्शिद है तो उनसे कोई बात छुपाना ठीक नहीं। जा उनसे कह मैंने हर फरीजा अदा किया तो ये मामला क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। कहां है वो? कहां है खराबाश? मैं नहीं जानता मोहतरम। वो मत जानो जो जानते हो, जो नहीं जानते वो जानो। कहीं चली गई होगी वो। जानवर पर तवज्जो नहीं दोगे तो कहीं और चला जाएगा। हैवान है वो, ना तरबियत याफ्ता है ना इल्म मिला उसे। जैसे ही पेट भरा दुनिया की कशिश उसे खींच लेगी यूनुस। जानवर है ना आखिर। फौरन चले जाओ और ढूंढ कर लाओ उसे। जो बेतरबियत हो पट्टा डाला जाता है, अगर वो ना आए तो ये जंजीर बांधना और खींचते ले आना उसे। बाजार में ढूंढो, हर मोहल्ला हर कूचा हत्ता के हर दुकान देखना। जहां से खाना मिला होगा उसे वहीं मंडलारी होगी। अफंदी यही दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन किस लिए? ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन हाथ में कराबाश की जंजीर थी और सोचों में गुम थे। जंजीर भी थी? हाँ, तो क्या झूठ बोलूंगी मैं? इसका मतलब कराबाश फिर भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बरकत दे काम में। वालेकुम अस्सलाम।
क्या बहराम आगा ने आना शुरू नहीं किया? सुबह से तो आए हुए थे शेख मोहतरम, अभी घर गए हैं थोड़ा सा आराम करने। अत्तार हुस्नु ने दुकान नहीं खोली अब तक? उनका नया मुलाजिम बहुत ही निकम्मा है, आज फिर छुट्टी कर ली। हुस्नु आगा शिकार की वजह से आराम कर रहे होंगे। शिकारी भी छुट्टी पर है और शिकार भी छुट्टी पर है। खुशांदी शेख मोहतरम, इज्जत अफजाई है आपकी। अस्तग़फिरुल्लाह। वक्त की तंगी ना हो तो शरबत नोश फरमा लीजिए हमारे गरीब खाने पर। शरबत तो आपके शीरीं अल्फाज़ हैं मसूदा। और बताइए, अखी भाइयों में कोई मसला तो नहीं ब्रादर मसूद? बिल्कुल नहीं शेख, सब भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। कारवानों की आमद कम है आजकल? अलाई के लुटेरों ने कई बार हमारी बिरादरी के कारवान लूटे, और सिर्फ हम ही नहीं, आयदन वाले भी रोना रो रहे हैं काफिलों के लूटने का। निकसार में तो काफी भारी लगान आयद कर दिया गया है माले तिजारत पर, वजीर मुइनुद्दीन परवाना की तरफ से। परवाना की तरफ से? किसके हुक्म पर? लोग तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ ताजिरों का मसला है। मसला सलामती और अमन अमान का है ब्रदर मसूद। मुमलिकत का अहवाल आपसे बेहतर कौन जानता है शेख। लुटेरों से निपटने के लिए हमें ही घात लगानी होगी। मुल्क की हिफाजत कौनिया महल में बैठे हुक्मरान नहीं करते। मेहनती काश्तकार, दियानतदार लोहार और नेक ताजिर करते हैं। अच्छा हाँ, अखी बिरादरी का अहवाल तो बताओ, बात तो रह गई। जौलाहा आजमी आगा बिल्कुल ना समझ है, हिमाकत कर रहा है। उसकी बेकार बातों को खातिर में ना लाइएगा, हमने उससे अच्छी तरह तंबीह कर दी है शेख मोहतरम। मुमकिन है ना समझ जौलाहा आजमी नहीं, हम हों बिरादर मसूद। अस्तग़फिरुल्लाह शेख, चाहे जो भी मामला रहा हो, बात यह है जिंदगी के हर मरहले के लिए हमारे दीन की तालीमात मौजूद हैं। सिर्फ दरगाह के ही नहीं, किसी के भी मुतालिक पीठ पीछे गीबत करना जायज नहीं, और ये बात तो बिल्कुल वाज़े है हम सब पर। खुशामदीद जनाब, तशरीफ लाइए। क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी, किसकी तलाश में हैं आप? कोई खास मामला दरपेश ना हो तो हमें मेजबानी का शर्फ बख्शें शेख मोहतरम। इस वक्त नहीं बिरादर, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं अभी तो। हाँ, साथ चलते हुए गुफ्तगु कर सकते हैं कुछ? जी, जैसे आप मुनासिब समझें। इसमें क्या है? सांप का जहर है। अरे डरो नहीं, सांप थोड़ी ना है, जहर है सिर्फ उसका। कहां से लाते हैं तुम्हारे बाबा ये जहर? सांप पकड़कर उसमें से निकालते हैं, बहुत ही बासर दवा बनती है सांप के जहर से। यानी जहर भी है और दवा भी? कैसे निकालते हैं सांप से ये जहर निकाल चाचा? पकड़कर मार देते हैं क्या वो सांप को? मारते नहीं है उसे, आई इब्रान ने सिखाया उन्हें। नाम नहीं सुना क्या? काफी मशहूर है, वो भी हकीम है। बिल्कुल सुना है नाम, पूरी अखी बिरादरी के सरदार हैं, अखी इज्तिमा में जरूर शिरकत करते हैं। उनसे बाबा कायसरी में मिले थे एक दफा, और उन्होंने बाबा को सिखाया था कि सांप सर्दियों में सो रहा होता है, और वही सही वक्त होता है जब उसका जहर निकाला जाता है और उसके बाद उसे वापस छोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो मिकाल चाचा की दोस्ती है अखी आवरान से? खुश आमदीद यूनुस अफंदी। हाथ में जंजीर लिए क्यों घूम रहे हैं? ढूंढ रहे हैं उसे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत दे आपके काम में। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे भी राजी हो। तलाशी यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका, आपके रिस्क में इजाफा हुआ। मालिक वो शेख का सामान तैयार है। ठीक से देख लिया? जी बिल्कुल मालिक, तीन जा नमाज है ना। शेख मोहतरम, ये मेरी तरफ से हदिया है दरगाह के। वो अलग हिसाब है, ये अलग हिसाब है। अच्छा तो अब हमें इजाजत दें, हमारा सामान उठा लो कासिम। अच्छा तुमको कुछ और तो नहीं कहना आजमी अफंदी? नहीं तो शेख मोहतरम। फिर सोच लो। मसूद आगा मुझे अखी बिरादरी की तरफ से सजा देना चाहते हैं किसी बात पर, मगर सच तो यह है कि मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। शेख तुम मेरे पीठ पीछे जो चाहे कहते रहो अजमी अफंदी, अपने अल्फाज के तुम खुद जवाब दे दो। मैं बस हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी पर जुल्म करो, बल्कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेरी वजह से किसी पर जुल्म करे। चलो बस ख्याल रखना अपना। अपनी बीवी को इनसे पूछ कर भेजूंगा क्या कहीं। पहले वाकई बिरादरी के सदर धमका गए, ऊपर से ये आदम के। लगता है काजी साहब उसे ढूंढने में नाकाम हो चुके हैं। खराबाश तो बिल्कुल भी पालतू नहीं है केरा। यूनुस अफंदी ना उसकी आदतें जानते हैं ना जुबान समझते हैं। जुबान समझते होते तो ऐसे थोड़ी ना ढूंढते। करबाश को तलाश कर रहे हैं ना? बहुत ढूंढा नहीं मिले। दरगाह पर सुकून से पड़े रहने और दर दर भटकने का फर्क मालूम नहीं उसे। अना भी बहुत है उसमें। धमकाया जाए या खराब खाना दिया जाए तो
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता उससे। अगर आप उस पर तशद्दुद करेंगे या उसके नफ्स को तकलीफ देंगे तो वो आपको बहुत तंग करेगी। नालेहान में तो अब कोई जगह बची नहीं जहाँ ढूंढा ना हो। पता नहीं कहाँ छुप गई है। इंसानों से मानूस ही नहीं वो, बाजार में कहाँ मिलेगी भला। हुजूम बिल्कुल पसंद नहीं है उसे, जहाँ लोग हो वहाँ से भागती है। जंजीर बांधना और देखते ले आना उसे। बाजार में ढूंढ, हर मोहल्ला, हत्ता के हर दुकान देखना। जहाँ से खाना मिला होगा उसे वही मंडलारी होगी। खेतों में जाकर देखिए, चश्मों पर, बागों में। बाजार में वाकई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, उसे तो पहाड़ियों में फिरना पसंद है, आवारा, आजाद। अच्छा मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। शाम बख़ैर। क्यों ना आज की महफिल पर खास कर दें? बात करने का दिल नहीं जा रहा बिल्कुल। आपके जहनों में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। कुछ लोगों को काम से जाना भी होगा। जिंदगी रही तो कल बात करेंगे। चलिए जा सकते हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप सबको इजाजत है भाइयों। तुम यही रुको मुंबरची। तुम भी जाओ, छोटे मोटे काम निपटा लो कासिम अपने। अब मुझे हसन बेटे से कुछ बातें करनी है। तुम्हारे लिए खलवत में बैठने का वक्त आ गया है फर्जंद। खलवत के लिए जान लो कि ये मखसूस दिनों की में अख्तियार की जाती है। आशूरा भी एक ऐसा ही दिन है। आशूरे के दिन खलवत में बैठना औलिया का तरीका रहा है। मुरीदों पर तो समझो वाजिब है। कल नमाज ईशा के बाद खलवत में बैठना होगा, जैसे तुम रोजा रखने के लिए पहले से तैयारी करते हो। खलवत के लिए भी तैयारी करना, तैयारी इसके आदाब में शामिल है। सबसे बढ़कर ये कि दुनिया की नजासत से बिल्कुल पाक साफ होकर बैठना। इतने बरसों में जो कुछ मैंने सिखाया है वो भूल न जाना। जिक्र पहले जबान की और फिर नफ्स की तरबियत करता है। अब जाओ तैयारी करो जाकर, जो लेना हो ले लेना, जो देना हो दे देना। खलवत एक सफर की तरह है। न कहा सुना माफ कराए बगैर जा सकते हो, न कहा सुना माफ कराए बगैर आ सकते हो। जो कुछ मैंने बताया उसूल वही है, उसे फरामोश न करना। याद रखना जिस काम का जो उसूल है वही है। अगर वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसूलों की पैरवी करनी होगी।
जंजीर बांधना और खींचते ले आना उसे। बाजार में ढूंढो, हर मोहल्ला, हत्ता के हर दुकान देखना। जहां से खाना मिला होगा उसे वही मंडलारी होगी। इंसानों से मानूस ही नहीं वो, बाजार में कहां मिलेगी भला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा सुना, माफ कीजिएगा यूनुस अफंदी, खलवत में बैठने लगा हूं। माफ किया। मैंने भी माफ किया आपको। चलो बस आ जाओ, दरगाह चलना है हमें। नालेहान के लोगों, सुनो सुनो एक अहम ऐलान सुनो। मुबारिस के फर्जंद काजी इलियास अफंदी नालेहान के नए काजी तैनात होकर तशरीफ ले आए हैं। अरे ये क्या, यूनुस अफंदी है ना ये तो? हाँ लगते तो वही है, काजी यूनुस अफंदी कहो। इस नजिस को रास्ते से हटाओ सूबेदार। एक दीवाना जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो इस जानवर को क्या संभालेगा? We'll be right back.
जानते हो मैंने क्या ख्वाब देखा? तुम इम्तिहान में कामयाब होने के बाद एक अहम इलाके में काजी मुकर्रर हो गए हो। ख्वाब की ताबीर तो उलट होती है जान। फिर तुम एक खूबसूरत सी औरत से शादी कर लोगे और हमें भूल भाल जाओगे। चलो तुम तो मुझे बाद में भी दिल से याद रखोगे ना इलियास। अदालत को मुकद्दम रखना। बड़े शहर में तकरूर की जो आरजू है मकाम और मर्तबे के लिए हरगिज नहीं। मुजाहिद हैं और हक की सरबुलंदी के लिए लड़ना है। यूनुस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी कहाँ से आई खातून? मलातिया से। शेखा फंदी ने तमाम मुरीदों के लिए हदिया भेजा है। हाँ याद आया, मौलाना रूमी के वालिद हजरत बहाउद्दीन बलत से मिला था ये बाग शेख को। मौलाना रूमी के वालिद क्या मलातिया में रहते थे बाबा जान? दरगाह तो उनकी कोनिया में है। हजरत के वालिद पहले मलातिया ही से आए थे बेटी। बलख से निकलकर हज करने के बाद शाम का सफर इख्तियार करते हुए मलातिया आ गए थे। मौलाना रूमी उस जमाने में जवान थे, खूब रू जवान। रिवायतों में आता है कि शेख अकबर इब्ने अरबी ने भी एक बार उन्हें देखा था शाम में। वालिद के पीछे पीछे मुअद्दब चल रहे थे मौलाना रूमी। उन्हें देखा तो शेख अकबर ने कहा, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि एक समंदर एक दरिया के पीछे चल रहा है। मलातिया में कयाम किया था उन्होंने, फिर वहां से अरजनजान चले गए और वहां से करमान चले गए और फिर वो वहां पर अमीर महमूद के मेहमान रहे। फिर इसके कुछ अरसे के बाद मौलाना रूमी ने कोनिया में सुकूनत इख्तियार की। हाँ बच्चे, ये लो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो और जानवरों का खाना भी तैयार करना है। कहाँ है जानवर, आ गया क्या यूनुस? मैं देख कर आती हूँ बाबा जान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। खाना अच्छा था। शुक्रिया शेख साहब। जीती रहो जाने बाबा। मैं जाकर देखती हूँ खराबाश वापस आई कि नहीं। ठीक है।
बस देखने आई थी कि ये वापस आ गई या नहीं। इसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? खेतों में मिली मुझे, बहुत दूर बाजार से। शेख बाबा ने बाजार में तलाश करने को क्यों कहा समझ नहीं आया। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा यूनुस अफंदी? जान, कराबाश को खाना देना ही भूल गई मैं। उसे ढूंढ लिया यूनुस अफंदी ने? खेतों से मिली है उन्हें। बाबा ने बिल्कुल मुखालिफ सम्त में भेजा था उन्हें, बाजारों में दुकानों में ढूंढने को कहा। बाबा ने ये क्यों किया? तुम इतना क्यों सोचती हो बच्चे? चलो भी। उम्मते मुस्लिमा ज़ाहिरी मामलात में उलझ कर दीन की असल रुख से दूर हो गई। एक मजलिस में कुछ यही गुफ्तगु हो रही थी कि एक अकीदतमंद उठ खड़ा हुआ और सवाल किया कि उम्मत नमाजें कसरत से पढ़ती है, फिर भी हर शख्स शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है। ऐसे ही सवाल हमसे भी करते हैं गाफिल लोग कि शैतान कहाँ है। शैतान यहाँ भी है, वहां भी, कोई एक जगह थोड़ी है। वो इधर भी है और उधर भी। उससे बड़ा नादान कौन होगा जो ये यकीन कर बैठे कि दरगाह की चार दीवारी में या काबे में हमसे दूर रहेगा शैतान। पत्थर अगर इंसान को शैतान से महफूज रख सकते तो बगदाद के बाजारों में हीरों की मोल बिक रहे होते पत्थर। तुम्हें हजरत बायजीद बुस्तामी का उनके हज वाला वाकया सुनाया है मैंने पहले कभी? एक बार हजरत सफरे हज में थे, सितारों से रहनुमाई लेते हुए सहरा पार करके बिलाखिर जा पहुंचे मक्का। वो काबे मुअज्जमा का तवाफ मुकम्मल करके और हज के फरीजे से फारिग होकर काबे के अहाते से बाहर निकल रहे थे वो, कि क्या देखते हैं कि काबे के दरवाजे पर इबलीस दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। हाथ में उसके लगाम थी, घोड़े की लगाम। हजरत उसे देखते ही पहचान गए। अहलुल्लाह शैतान को दूर से पहचान लेते हैं, ये एक अलग मामला है, किसी और मौके पर बताऊंगा। तो बायजीद बुस्तामी ने उसे देखते ही पहचान लिया, शशदर रह गए। ये इबलीस से लईन काबे के दरवाजे पर क्या कर रहा है? उन्होंने सोचा, पूछा, तू और यहां इबलीस? शैतान ने हाथ में थामी हुई घोड़े की लगाम उन्हें दिखाते हुए कहा, मेरे बहुत से बंदे यहां तवाफ में मशगूल हैं, उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं। आएंगे तो ये लगाम उन्हें डालूंगा और उन पर सवारी करता हुआ जाऊंगा। यह सुना तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने परेशान होकर इबलीस से पूछा, क्या मैं भी उनमें से हूं जिन्हें तू लगाम डालेगा? इबलीस ने उन पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराया और तंजिया अंदाज से एक जोरदार खैखा लगाया।
और फिर आहिस्तगी से उनके कान में बोला, तुम पर तो मैं बगैर लगाम के सवारी कर सकता हूं। हां, यही एक तल्ख हकीकत है। जागरे आफंदी, तुम्हारी क्या राय है इस अजीब गरीब मसले के बारे में? नहीं जानता शेख मोहतरम। अच्छा, खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि वक्त गुजरा, बात आई गई हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने मुल्क लौटने के लिए मक्का से रवाना हो गए। एक बार फिर वही दुश्वार गुजार सफर, दरिया, सहरा, वादियां उबूर करते, सफर की मुश्किलें झेलते, एक तेज रौ नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपना लिबास ऊपर चढ़ाया और नदी पार करने वाले ही थे कि अचानक उनकी नजर पड़ी नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे एक बहुत ही बूढ़े और नाबीना गज भर लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। वो बुजुर्ग के पास गए, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बुजुर्ग बोले, बिनाई से महरूम हूँ फरजंद, हज करके लौटा हूँ और परेशान बैठा हुआ हूँ। मैं बूढ़ा नाबीना, इस हालत में नदी कैसे पार करूं? हजरत बायजीद बुस्तामी का दिल भर आया। उन्होंने एकदम से उस बुजुर्ग को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया और पानी में उतर गए। पानी का बहाव खासा तेज था। बहरहाल, किसी तरह वो नदी पार कर रहे थे, लेकिन अभी ऐन दरमियान ही में पहुंचे थे कि बुजुर्ग ने झुककर हजरत के कान में सरगोशी की। कहा था ना तुमसे कि तुम पर तो बगैर लगाम के सवारी कर सकता हूं, तो फिर शैतान कहां हुआ? फिर शैतान को तलाश करने निकलो तो यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। इस जोम में मत रहना कि बच जाओगे उससे। बगैर लगाम के सवारी कर सकता है, हम जैसों की क्या औकात है? जब हजरत बायजीद बुस्तामी ना महफूज रह सके उससे। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये यहां और वहां इंसान के अंदर ही है। قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است. بولو، سمجھ آئے معنی اس کے؟ اسی لیے کہا گیا کہ تلاش کرنا ہو تو یہاں ڈھونڈو نہ وہاں، صرف اپنے اندر تلاش کرو۔ वही यहां भी है और वहां भी। जो फरीजा आपने दिया मैंने पूरा किया। काजी के मनसब से इस्तीफा देकर मैं यहां दरगाह आ गया और बैतुल खला तक साफ किए। काजी का दबदबा लिए नालेहान का दौरा करने वाला उन्हीं गलियों में कुल्हाड़े उठाकर फिरता रहा। फरजंद, काजी के मनसब से इस्तीफा मेरी ख्वाहिश पर नहीं दिया। आप क्यों जहमत करती हैं बासिम सुल्तान?
इसमें जहमत कैसी? इंतजार करती है मेरा, जब भी आती हूँ इसके पास हाथों को देखती है। फिर भी इसकी जंजीर खुली नहीं रखनी चाहिए आपको। किसी एक दिन भी आप इसे खाना देना भूल गयी तो यहाँ से भाग जाएगी ये। अब कहीं नहीं जाएगी ये। अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह।